हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कापैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी टाटा पंच की जो थर्ड मेजर सर्विस हुई थी उसमें मुझे क्या सर्विस कॉस्ट आई है, क्या मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है, एंड जो ये थर्ड सर्विस हुई है इससे मैं कितना सेटिस्फाई हूँ। बट उससे पहले मैं एक बात करता हूँ ये सर्विस को लेके, बिकॉज सर्विस एक ऐसी चीज़ है कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमें गाड़ी लेने के बाद क्या सर्विस कॉस्ट पड़ेगी। नॉर्मली लोग जब भी लोग गाड़ी परचेस करते हैं तो ये चीज़ ना सेकेंडरी हो जाती है लोगों के माइंड में। पहले लोगों को गाड़ी पसंद आती है, गाड़ी अच्छी लगती है, गाड़ी जाके आप ले लेते हो। बट कई बहुत से लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा सब लोग, बट बहुत से लोग जो ये सर्विसिंग जो ये फैक्टर होता है इसको ना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते गाड़ी लेते समय। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज गाड़ी लेना एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपने एक टाइम गाड़ी ले ली, बट जो ये सर्विस जो कॉस्ट आप देते हो ये आपको हर साल देनी होती है। तो गाड़ी चूज करते समय आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी की क्या सर्विस कॉस्ट आ सकती है, और आपको इस बारे में जरूर देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि इस कार की जो आप लेना चाह रहे हो उसकी क्या सर्विस कॉस्ट पड़ती है। बात करते हैं टाटा पंच की जो सर्विस कॉस्ट आई मुझे थर्ड सर्विस पे। बिल मेरे पास है, मैं जब इसकी सर्विस कराने गया तो मेरे को एक ऑप्शन मिल गया था वहाँ पे एएमसी का, एंड उस एएमसी में मुझे जो एक कॉस्ट जो नॉर्मल रेगुलर सर्विस होती थी उससे थोड़ी कम पड़ी है। तो यार मैं सीधे ज़्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि नॉर्मल सर्विस पे मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही थी और ये एएमसी जो टाटा ऑफर करती है इसके बाद मुझे क्या कॉस्ट पड़ी है। तो इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो एएमसी जो इनका चल रहा है, ये जो ऑफर है वो कुछ टाइम पहले अलग था, अब थोड़ा इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। कुछ टाइम पहले मेरे किसी नोन ने इनसे एएमसी ली थी, जो उस टाइम पे क्या होता था कि जो आपकी मेजर सर्विस के टाइम पे आपको एएमसी मिलती थी, उसके बाद जो आपकी सेकंड चेकअप सर्विस होती है तो उस पे ये एएमसी एप्लीकेबल होती थी, और उस चेकअप सर्विस में आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता था। बट अब जो इस एएमसी के जो रूल चेंज हुए हैं, जो उन्होंने मुझे बताया, अब ये वो जो नेक्स्ट जो इसका चेकअप सर्विस आएगा उस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा और मुझे उसमें पे करना पड़ेगा। ये जो एएमसी थी ये सिर्फ इस सर्विस के लिए एप्लीकेबल थी। तो इस सर्विस में जो अगर मैं इसको विदाउट एएमसी जाता तो मेरा जो बिल इन्होंने मुझे बताया था वो था 5600 समथिंग, एंड आफ्टर एएमसी के बाद जो ये मुझे बिल पड़ा है ये मुझे पड़ा है 4495। तो विद टैक्सेस है ये जो है, तो 4495 मुझे पड़ा इस एएमसी लेने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एएमसी में उन्होंने कवर क्या किया। कुछ चीजें थी जो मैंने इनसे हटा दी थी, ये मैंने नहीं ली इन एएमसी में, बिकॉज उससे साथ मुझे ज्यादा पड़ रहा था। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है इस एएमसी के थ्रू। तो इस एएमसी को लेने के बाद इस कार में इंजन ऑयल चेंज हुआ है, व्हील बैलेंसिंग हुई है, एयर फिल्टर एंड ये सब जो नॉर्मल जो चीज होती थी वो हुई है। एयर फिल्टर साफ हुआ है, स्पार्क प्लग मैंने चेक करवाए थे, व्हील बैलेंसिंग कराई है इसमें मैंने, एंड इंजन ऑयल मेरा चेंज हुआ है इसके। क्या चीज़ मैंने कवर नहीं कराई वो मैं आपको बताऊं। इसमें मैंने लुब्रिकेशन वगैरह की एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो मैंने नहीं कराई। उसके साथ साथ एसी वेंट की क्लीनिंग, जो ये फॉर्म बेस्ड एसी वेंट क्लीन करते हैं, वो भी मैंने नहीं कराया, बिकॉज ये फॉर्म बेस्ड एसी वेंट क्लीनिंग का मुझे याद है इस समथिंग कुछ 1200 समथिंग ये लोग चार्ज कर रहे थे, एंड लुब्रिकेशन का 600 समथिंग कुछ था इनका। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने सर्विस में इंक्लूड नहीं कराई। इसका एक रीजन है, बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसको मैं घर पे भी कर सकता हूँ। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि आप लोग अगर ये करना चाहते हो तो आप घर पे कैसे कर सकते हो अपने इस इवेंट क्लीन और ये लुब्रिकेशन है आप कैसे अपनी कार पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और मैं आपको इसमें शेयर करूंगा कि अगर आपको ये चीजें करानी हो तो आप घर पे कैसे कर सकते हो। तो ये चीजें मैंने इंक्लूड नहीं कराई बिकॉज ये मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और ये चीज मैं अपने आप खुद कर सकता हूँ। तो ये चीज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कराई। अदरवाइज जो मेरी सर्विस कॉस्ट जो मेरी पहले थी जो सब चीजें इंक्लूड थी, ये सिर्फ दो चीजें मैंने इसमें से हटा दी हैं। उसके बाद जो मेरी सर्विस एएमसी के बाद जो मेरा पड़ा है वो पड़ा है 4495। ये है टाटा पंच की थर्ड सर्विस की कॉस्ट, ठीक है। और आप बोलोगे यार ये ज्यादा है या ये नहीं है, मैंने अभी ही इसी टाइम कुछ दिन पहले ही मारुति की भी सर्विस कराई है, उसके बारे में उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि मुझे मारुति की क्या सर्विस कॉस्ट पड़ी। उसकी भी ये थर्ड सर्विस थी मारुति सिलेरियो की, तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ी और इसकी क्या कॉस्ट आई वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मारुति की क्या कॉस्ट आई है मुझे। तो अब मैं बात करता हूँ यार मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है टाटा के ऊपर कि टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, टाटा के सर्विस सेंटर्स में कई लोग का एक्सपीरियंस खराब रहा है।
तो मैंने इस बार जो मैं नॉर्मल जहां पे सर्विस कराता था वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो मैं इस बार वहां नहीं गया, मैंने अपने घर के पास के सेंटर से ये सर्विस कराई। तो यार एक ना एक प्रॉब्लम मुझे भी फील होती है ये डाटा में, जो मैंने सर्विस सेंटर से जहां मैंने करवाया काम, एक तो सर्विस सेंटर का मेजॉरिटी ऑफ सर्विस सेंटर इतने बड़े नहीं है, और जिस हिसाब से टाटा अब देखा है आपने कि टाटा सेकंड नंबर पे सेल्स के मामले पे आ चुका है, टाटा की काफी कार सेल हो रही है, उस हिसाब से वर्कलोड बहुत ज्यादा है उन सर्विस सेंटर्स में और उनके पास उतना स्पेस नहीं है, जिस वजह से कारों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस छोटे लिमिटेड स्पेस पे। तो वही हुआ, मैंने सर्विसिंग के लिए कार दी, आफ्टर वॉशिंग इन्होंने मेरी कार रेडी कर दी, मुझे कॉल किया, मैं गया। जब मैंने कार देखी तो मैंने देखा कार क्लीन हो चुकी थी इनके अकॉर्डिंग, बट कार कई जगह से कार में मार्क्स थे, ढंग से प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ था बाहर भी अंदर भी। तो ये मैंने कंसर्न रेज किया वहां पे जीएम से, तो जीएम को मैंने जैसे ही ये कंसर्न रेज किया उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने तुरंत फिर मेरा ये काम सही करवाया, उन्होंने फिर बुलाया क्लीनर्स को और ये सब कुछ सही कराया। बट एक पॉइंट है यार, जब भी आपको ये सब चीजें मेरे बोलने पे आप क्यों करवा रहे हो, ये आपको पहले सब देखना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए अपनी सर्विसिंग के टाइम पे। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं सुना, जैसे मैंने कंप्लेंट करी उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने ये सब क्लीन करवाया, बट ये सब चीजें आपको पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज ये कस्टमर के बोलने पे अगर आप करा रहे हो तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, एंड यही आपकी आफ्टर सेल सर्विस लोग इसीलिए कंप्लेंट करते हैं कि नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सब सेंटर्स की है, इससे पहले मैं जिस सेंटर में जा रहा था उस सेंटर में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था, बट हाँ इस सेंटर में मुझे ये फील हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सर्विस में यार मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुई इस बार, ये थर्ड सर्विस जो मैंने कराई। और उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये थर्ड सर्विस कराने के बाद ना मुझे मेरी माइलेज में भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। अभी अगर मैं आपको MID शो करूँ तो मुझे अभी MID में 889 की एवरेज शो कर रहा है, जो कि मुझे इसका एक बार टेस्ट करना पड़ेगा ढंग से कि ये माइलेज कितना ड्रॉप हुआ है, बट मुझे MID में शो कर रहा है कि माइलेज में ड्रॉप आया है। पहले मेरे को ये कार 12 टू 15 की माइलेज शो करती थी MID में भी, कई कंडीशंस कई हैवी ट्रैफिक में भी मैंने इसको ड्राइव किया है और मुझे 12 टू 15 की करती थी, बट अभी आफ्टर सर्विस थर्ड सर्विस मुझे MID में ये ड्रॉप शो हो रहा है। बट अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा कि एक्चुअल में ये क्यों मुझे दिख रहा है, एंड इसको प्रॉपर टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरे को दिख रहा है MID में ये कितना सही है एंड क्या सच में इसकी माइलेज इतनी ड्रॉप हुई है। बट जहां तक अभी मुझे दिख रहा है पहले सर्विस के बाद ही, तो ये मुझे यहाँ पे ड्रॉप दिखाई दे रहा है, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा था इस वीडियो में। बाकी मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि सच में इसमें ड्रॉप आया है या नहीं आया। तो ये कुछ पॉइंट है यार, सर्विस कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया टाटा की सर्विस कॉस्ट 4500 का मुझे पड़ा थर्ड सर्विस, तो ज्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है, सिमिलर टू मारुति, मैंने आपको पहले बता दूं सिमिलर टू मारुति ही है, ज्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं आई है मुझे पंच में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आप भी शेयर करना चाहते हो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमसे, तो आप मुझे इस ईमेल ID पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।